आफ्टर द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2, नाउ काउंटिंग द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2, नाउ काउंटिंग द नंबर ऑफ सब ग्रुप फॉर ZM क्रॉस ZN. बिफोर यू स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ZM क्रॉस ZN, रिकॉल ZN इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर N. If R divide N, where N is the order of Zn, then there exists unique subgroup H of Zn such that order of H equals to R. That is, H is generated by N upon R. ये थियरम हम साइक्लिक ग्रुप में प्रूफ भी कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ Z6 इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6. डिवाइजर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6. सो देयर आर 4 सब ग्रुप ऑफ Z6 which can be listed as 6 by 1. This is generated by 6, that is modulo 6, that is, this is nothing but generated by 0, this is 0. Similarly, this is 6 by 2, this is generated by 3 and 0. These 4 are unique subgroup of Z6. Counting number of subgroups of Z5 cross Z5 ka structure. Z5 cross Z5 ke paas 25 element honge. Theek hai, here Z5 means 0, 1, 2, 3 and 4. This is group under addition modulo 5. इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 एंड 0, 4. सिमिलर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसी टाइप से. सो Z5 क्रॉस Z5 हैज ऑर्डर 25. अब हमें इसमें बताना है Z5 क्रॉस Z5 के कितने सब ग्रुप होंगे. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम Z5 में देख लेते हैं. ठीक है, इसके कितने सब ग्रुप होंगे, यानी जो 5 को डिवाइड कर रहा हो उस ऑर्डर के इसके पास सब ग्रुप होंगे. तो H1 एक तो आइडेंटिटी होगा, और H2 विच इज इट सेल्फ Z5, ये दो इसके Z5 के सब ग्रुप होंगे ही होंगे. तो इस Z5 के लिए भी यही होंगे और इस Z5 के लिए भी यही होंगे. तो यहां से बनने वाले जो सब ग्रुप होंगे हम वो लिख लेंगे पहले. दिस बोथ आर सब ग्रुप ऑफ Z5. तो ये, तो अब इससे बनने वाले Z5 क्रॉस Z5 के सब ग्रुप हम लिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले. सो H1 क्रॉस H1, H1 क्रॉस H2, S2 क्रॉस S2 एंड S2 क्रॉस H1, इस टाइप के 4 अलग अलग सब ग्रुप हमारे मिल जाएंगे जो Z5 क्रॉस Z5 के होंगे. ये हमारा इस टाइप से बनेगा, ये 0 क्रॉस Z5 से बन रहा है, ये तो 4 इस टाइप के सब ग्रुप हो गए. अब बाकी सब ग्रुप क्या होंगे इसके. ठीक है, ये तो हमने इस Z5 के सब ग्रुप देख लिया और उसके प्रोडक्ट हमने कर लिए, तो इस टाइप के सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे. अब हमें फाइंड आउट करना है इसके अलावा कौन से सब ग्रुप होंगे. एल्स इसमें जो एलिमेंट होगा, ठीक है, हमें पता है इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए सेट जनरेटेड बाय ए फॉर्म ए ग्रुप. एक एलिमेंट सपोज हम इसमें ले लेते हैं 1, 1,
तो इससे जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो भी Z5 × Z5 का सब ग्रुप होगा. दिस इज 1, 2, 1 से जनरेट हो रहा है, सो 3, 3 भी आएगा. इसको ऑपरेट कर रहे हैं 1, 1 को इसके खुद के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें ये एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे. सो फाइनली 0, 0 भी आएगा. तो ये एक हमारा सब ग्रुप हो गया. अब इस ग्रुप का ऑर्डर है 5, प्राइम ऑर्डर है. ये 0, 0 तो इसका आइडेंटिटी होगा, ठीक है. आइडेंटिटी यूनिक होती है, उसका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है. तो बाकी जो एलिमेंट होंगे वो नॉन आइडेंटिटी है, कुछ ना कुछ ऑर्डर इनका एग्जिस्ट करेगा. वो जो ऑर्डर होगा वो भी 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कुछ हो नहीं सकता बाय लैग्रांज थ्योरम. तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, तो इसके इनका ऑर्डर 5 ही होगा. आप चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट बाय लैग्रांज थ्योरम हम बोल सकते हैं इन सब का ऑर्डर 5 हो जाएगा. तो अगर इससे भी जनरेट कराएंगे तो यही आएगा, 3 से इस एलिमेंट से जनरेट कराएंगे तो यही ग्रुप बनेगा. तो इस तरीके से इन किसी भी एलिमेंट से हम जनरेट कराएं तो यही ग्रुप देगा. तो हम इस एलिमेंट को छोड़ देते हैं, अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं. सपोज मैं ले लेता हूँ 0, 1. जैसे ही हमने 0, 1 ले लिया तो 0, 1 टाइप का एलिमेंट तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. इसमें कैसे एलिमेंट है, 0, 0, 0, 1, 0, 2 टाइप के एलिमेंट तो है इसमें. 0 × Z5 के कार्टेजियन प्रोडक्ट से ये सेट बन रहा है, तो इसमें इसी टाइप के एलिमेंट होंगे. तो इससे कोई फायदा नहीं है, यही H1 × H2 बन जाएगा. तो हम ये तो निकाल चुके हैं, हमें दूसरा एलिमेंट लेना है. अगर हम 1, 0 लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी नहीं लेना है. तो 1, 2 टाइप का एलिमेंट लिया, तो इससे जनरेट होने वाला सेट बना लेते हैं. वो ग्रुप बनाएगा 1, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 3 and 0, 0. अब हमें इन एलिमेंट को छोड़ के कुछ नया एलिमेंट लेना है जिससे इसे जनरेट कराना है. 2, 1 सपोज 2, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2, 1 ये तो खुद ही है. 2, 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4 and 0, 0. 2, 3 ले लूं, 2, 3 कहीं नहीं आ रहा है, तो ये ले लिया हमने. दिस वन इज 2, 3, 4, 1, 2 and 0, 0. तो इस टाइप से हमें 4 तो ये मिल गए, 1, 2, 3, 4 यहां से मिल गए. तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आर 8. सो Z5 × Z5 हैज एग्जैक्टली 8 सब ग्रुप्स. अब यहां से हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, नेट में या IIT जैम में या गेट में, कहीं भी पूछ सकता है. सो रिजल्ट्स और नोट्स. सब ग्रुप ऑफ Z P × Z P इज नीड नॉट टू बी H1 × H2 फॉर्म वेयर H1 and H2 आर सब ग्रुप ऑफ Z P. ये रिजल्ट इसलिए लिखा सिंस वी हैव सीन हियर 1, 1 इज द ए सेट जेनरेटेड बाय 1, 1 इज सब ग्रुप ऑफ Z5 × Z5. 1, 1 से जेनरेट हो रहा है, ये तो किसी सब ग्रुप के प्रोडक्ट से बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमने ये रिजल्ट लिख लिया. सेकेंड, लेट HI इज सब ग्रुप ऑफ G1 वेयर I = 1, 2 and so on are एंड लेट HJ इज सब ग्रुप ऑफ J2 वेयर J varies from 1 to S. Then there are at least R × T number of subgroup of G1 × G2. ये result हमने यहाँ से लिखा है. यहाँ हम देख सकते हैं Z5 का subgroup H1 S2 है. तो H1
एंड एच टू से बनने वाले जितने भी कार्टेजन प्रोडक्ट है वो कितने होंगे, ये चार होंगे। अगर ऐसे हमारे पास R सब ग्रुप है और इसी टाइप से G2 के S सब ग्रुप है तो उनसे बनने वाले जितने भी नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो R into S होंगे। ये रिजल्ट हमने यहाँ से लिखा है, दिए दिस इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप इज 4। ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। ZP x ZP हैज एट लीस्ट 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P फॉर P ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक खुद और एक आइडेंटिटी, इन दोनों को छोड़ के सारे जो हमारे इसके सब ग्रुप हैं वो ऑर्डर पी के, तो ये हमारा 5 के लिए ट्रू है, 7 के लिए भी ट्रू होगा। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम पी इक्वल टू 5 के लिए यहाँ देख सकते हैं, एक ये इसका ऑर्डर 1 है और एक ये इसका ऑर्डर 25 है, लेकिन बाकी जितने भी सब ग्रुप हैं उन सब का ऑर्डर 5 है, हम यहाँ देख सकते हैं। देर आर 6 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, सो एट लीस्ट का है तो 5 सब ग्रुप तो है ही, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जब भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर होगा ठीक है वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, ये हम प्रूफ भी करेंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो ये जो ग्रुप होगा ठीक है या तो जेड पी स्क्वायर होगा या जेड पी क्रॉस जेड पी होगा। जब हम आइसोमोर्फिज्म पढ़ाएंगे, ग्रुप आइसोमोर्फिज्म, तब हम इसका भी इसके बारे में भी बताएंगे। इफ जी हमारा जेड पी स्क्वायर है तो दिस इज साइक्लिक, इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर, क्योंकि P इज द प्राइम सो इस P स्क्वायर को डिवाइड करने वाले यही डिवाइजर है, तो P स्क्वायर के डिवाइजर यही होंगे, तो इसलिए इसके पास इसी ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। इफ G इक्वल्स टू जेड पी क्रॉस जेड पी, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड पी क्रॉस जेड पी इक्वल्स टू पी प्लस 3, ऑर्डर ऑफ जेड पी क्रॉस जेड पी इज पी स्क्वायर। देन एक तो इसके पास आइडेंटिटी होगा ठीक है, बाकी सब इसके पास ऑर्डर पी के एलिमेंट होंगे। ऐसा हम कैसे कह रहे हैं वो ये हम देख लेते हैं। हियर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन जेड पी इज 1, P, इसमें भी 1, P। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड पी क्रॉस जेड पी, एक तो 1 होगा और एक P होगा। अब हमें पता चल गया एक 1 है एक P है, तो ऑर्डर 1 का तो एक आइडेंटिटी होगा ठीक है, सिंस 1 इज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, सो दस एल्स आर ऑफ ऑर्डर पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1, टोटल में से हमने एक आइडेंटिटी को हटा दिया। सो ये तो एक तरीका है डायरेक्ट लिखने का, अगर आप यहां से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे एलसीएम वाले मेथड से ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से आप कर लेंगे, मैं अभी बता दूंगा। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी अपॉन पी माइनस 1, तो ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, तो वहीं से लिख रहे हैं दिस इज पी प्लस 1। ये तो ऑर्डर पी के सब ग्रुप हो गए, तो एक इसके पास ट्रिवियल सब ग्रुप होगा और एक खुद ही होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आर पी प्लस 1 प्लस 2 दैट इज पी प्लस 3। इस टाइप से हम टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेड पी क्रॉस जेड पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज पी प्लस 1, तो रिजल्ट 3 में था,
एट लिस्ट उसके पास ऑर्डर पी के 5 सब ग्रुप होंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर पी के पी प्लस 1 सब ग्रुप हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर पी है तो अगर 5 पी इक्वल्स टू 5 है तो 6 हो रहे हैं, पी इक्वल्स टू 7 है तो 8 हो रहे हैं, तो एट लिस्ट ऑर्डर पी के 5 सब ग्रुप तो होंगे वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी निकालने का दूसरा तरीका मैं बता रहा था आपको। सो ऑर्डर ऑफ पी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पी कैसे आएगा, जब एलिमेंट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो। तो जब एलसीएम आपका 1, P हो, एलसीएम आपका P, 1 हो और एलसीएम आपका P, P हो। तो इस टाइप से 3 पॉसिबिलिटीज बनी ऑर्डर पी आने के लिए। तो यहाँ पे 5P × 5P × 5P × 5P लगा के उनको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये आ जाएगा, आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया, या इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम जो भी ग्रुप दिए होंगे इस टाइप से नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाल सकते हैं।